उधर होटल के रहने का, खाने पीने का हर एक आयोजन हमें बहुत अच्छा लगा है। इसके लिए मैं पूरी समिति का धन्यवाद करना चाहूंगी। इस एंजॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से ही हमें मिला है, इसलिए मैं और अपने परिवार वाले सभी भक्तों की ओर से आप सबको बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि हर साल ये यात्रा आपकी सफल हो, ऐसी मेरी आशाएं हैं और ऐसा धन्यवाद भी देती हूँ। जय माता जी। मैं फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी की यात्रा में आई हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग थे सेवा समिति के, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोगों के सेवा में, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सब सेवा समिति लोगों को। और ये कहना चाहूँगी कि जितने लोग भी आए इस यात्रा में सब सफल हो। धन्यवाद। जय माता दी। मेरा नाम वैशाली एन केवल रमानी है, मैं पिटलाद की रहने वाली हूँ। मेरे को इस यात्रा में बहुत मजा आया, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब अगली बार लगता है हम खूब अच्छे से आएंगे, बहुत मजा आया। कमिटी सेवा मेंबर ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पे बहुत मजा आया, हम तो यात्रा हमारी आराम से सफल हो गई और हमें बहुत मजा आया। जय माता दी। देखते रहे मेरे नैना मैया जी तेरी पिंडियों को। मैं शुक्रगुजार हूँ वैष्णो देवी सेवा समिति का, मैं भी एक सदस्य हूँ। जब हमने ये पहली यात्रा चालू की थी, मनदीप और चेतन भैया इन्होंने मेरे को इस समिति में जोड़ा, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनकी जोड़ी हमेशा बनी रही, इनको किसी की बुरी नजर न लगे, ये कारवा हमेशा बढ़ाते रहे। आज एक से पॉइंट ट्रेन हुई है। मेरे साथ में जो आए हुए हैं सभी यात्रियों और गिरीश भाई और राजू भाई का खूब धन्यवाद। मेरे को 4 साल से मैं वैष्णो देवी यात्रा समिति के साथ जुड़ा हुआ हूं और 4 साल से मैं रोज हमारे फिफ्थ फैमिली के साथ मैं आ रहा हूं और काफी अच्छा मतलब माहौल मिल रहा है, कोई तकलीफ बढ़ नहीं रही है। बस यही मेरी आशीर्वाद है कि वो लोग सेवा करते रहे और हमको चांस मिले। जय माता दी। पहले तो हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे चेतन जीजू और मनदीप भैया और बाकी सभी सेवा समिति के सदस्यों को, जिनकी वजह से हमें हर साल इतना अच्छा मौका मिलता है माँ के दर्शन करने का, और वो कोई भी कमी नहीं छोड़ते, इसलिए थैंक यू। तेरी पिंडियों को देखते रहे मेरे नैना मैया जी तेरी पिंडियों को। गुजर गई यूं गुजर रही है, गुजर गई सारी रैना रैना मैया, देखते रहे मेरे नैना मैया जी तेरी पिंडियों को। तेरा बसेरा
राती तेरा बसेरा, रात यहाँ ऐसी लगती है जैसे हुआ सवेरा, जैसे हुआ सवेरा, जैसे हुआ सवेरा। दाती शत शत न मने है मेरा, मैं अजी तेरी पिंडियों की व्यवस्था और बहुत अच्छी रही, आने जाने का और खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था अच्छी है और ऐसा करते हैं बार बार आऊँ। यहाँ बड़ौदा से आई हूँ, इस यात्रा में मैं पहली बार आई हूँ। वैष्णो देवी की यात्रा मेरी बहुत अच्छी रही, जैसा सोचा था उससे बहुत बढ़िया पाया इस ट्रेन में। मतलब हर तरह से फैसिलिटी पाई जाती है, फुल फैसिलिटी, मतलब राजधानी में भी ऐसी नहीं पाई जाती। सेवा भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर, सेवक बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, हर एक यात्रालु अपनी मर्जी से अपनी सेवा भी देते हैं। जो इंतजाम किया गया है सबसे बढ़िया है सब इंतजाम। जय माता दी, हमें यहाँ पे बहुत मजा आई, हमें यहाँ की सेवा अच्छी लगी। हम इतनी बार वैष्णो देवी गए हैं मेरे पप्पा और ये, पर पप्पा लोग बोल रहे इसमें ज्यादा मजा आई, और हमारा यही अभी से यही प्लानिंग है कि अगले साल हम पूरी फैमिली आएंगे साथ में। पहली बार वैष्णो देवी आई हूँ, बहुत मजा आया मुझे यहाँ पे। फर्स्ट टाइम एक तो मैं घोड़े पे बैठी थी वैष्णो देवी के, और वहाँ से 15 किलोमीटर तक घोड़े पे आए और घोड़े पे चढ़े शिवखोड़ी चलते गए थे, उसमें भी बहुत मजा आया। वो गुफा के अंदर जाना फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम आए हैं अमेरिका से, 3 मंथ हो गए रहते हैं नवसारी में, और सुना था कि सूरत से वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेन है, तो हम लोगों ने सुना कि हमारा भी चांस होगा तो अच्छा रहेगा, तो माता की कृपा से हमारा चांस मिला ट्रेन में, और जो समिति है वो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने सेवा दी है, खाने पीने सभी में और दवा पानी सब कुछ में देख रेख बहुत अच्छी तरह से रखी। 20 साल के बाद वैष्णो देवी के आने का माता जी का बुलाव आया, तो ये ट्रेन में आने का चांस मिल गया, तो हम फैमिली के साथ आए हैं, और दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। बारिश और बर्फबारी अगले वीक हुई थी, लेकिन हम आए वो दिन से बंद हो गई, तो शिवखोड़ी और वैष्णो देवी का दर्शन अच्छी तरह से कर पाए। आज जो हम ये यात्रा की है, इतनी सौगढ़ है, इतनी व्यवस्था है, जो देख के हम उसका बयान नहीं कर सकते। क्या खाना पीना, नाश्ता, चाय, दवाई, और वहाँ कटरा में भी व्यवस्था देख के हम तो देखते रह गए। कितनी व्यवस्था, करने वालों को लाख लाख बधाई हो, क्या उन्होंने ऐसी सेवा की है। ऐसी सेवा हमारे घर में भी नहीं हो सकती जितनी हमारे गाड़ी में हुई है। क्या सच्ची दिल से बोलते हैं, ईमानदार से बोलते हैं, बहुत ही अच्छा आयोजन है, बहुत ही अच्छी सेवा हुई है। मैं खरेखर आभारी हूँ इन आयोजकों का जिन्होंने ऐसे आयोजन किया, और हमारी समाज को जो नाम दिलाया इसके लिए मैं उनको लख लख बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हम चाहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में ये ट्रेन जाए, और ऐसी यात्रा हर जगह पे, ना कि वैष्णो देवी, हर जगह पर ये यात्रा का आयोजन किया जाना चाहिए। यहाँ की हर सुविधा सेवा हमें बहुत बहुत पसंद आई। ये मेरा पहला अनुभव है जब किसी समिति के द्वारा आयोजन किए गए यात्रा धाम में गए। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि भले ही किसी भी ज्ञाति के